Let us see about the sentences in direct speech in the statement type. Okay, in the statement type we are using in English, uh, conjunction is that. Okay, in Hindi, that is key. Key means that. Now we can see the sentences how we are changing the direct into indirect. Okay, indirect speech I have written here. हाउ द कंजक्शन इज कमिंग हियर हाउ वी आर यूसिंग द कंजक्शन द कंजक्शन इज की की मीन्स दट ओके पिताजी बोले कि तुम माता जी से रुपये ले लो पिताजी बोले हियर वी कैन सी द कंजक्शन एज की पिताजी बोले कि तुम माता जी से रुपये ले लो फादर सेड दट ओके दट यू टेक मनी फ्रॉम मदर नेक्स्ट नेताजी ने कहा कि हमें जरूर आज़ादी मिल जाएगी नेताजी ने कहा कि हमें जरूर आज़ादी मिल जाएगी नेताजी सेड दट वुड certainly गेट फ्रीडम अध्यापक ने छात्र से पूछा कि तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम क्या है ओके okay. अध्यापक ने छात्र से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है हियर द टीचर आस द स्टूडेंट्स दैट वॉट वॉज हिस् नेम

है कि नहीं हियर सी है कि नहीं इट सो इट सो है कि नहीं जानता कि आज पानी बरसेगा कि नहीं ओके कोई नहीं जानता हियर वी आर हैविंग टू की ओके दट दट सी वी कैन सी In the sentences, how it comes. Koi Nahi Janta ki aaj pani barasega ki nahi. Okay. Nobody knows whether it will rain today or not. Okay, it will rain today or not. Tum Chennai Jawoge ki tirchi. Okay, here the conjunction is in English it is R. ओके okay. तुम चेन्नई जाओगे की हियर आल्सो वी आर यूसिंग की तुम चेन्नई जाओगे की तिरछी ओके okay. विल यू गो टू चेन्नई और तिरछी नेक्स्ट तुम जाओगे की नहीं तुम जाओगे की नहीं वोंट यू गो और नॉट वोंट यू गो और नॉट ओके की स्टैंड्स फॉर आर नौकर ने अपने मालिक से कहा कि नौकर ने अपने मालिक से कहा कि मेरा वेतन बढ़ाइए ओके एम्प्लाई आस्क हिज एम्प्लायर टू हियर टू इंक्रीज हिज सैलरी तिलक कहता है कि आज पानी बरसेगा तिलक कहता है कि आज पानी बरसेगा तिलक says that, तिलक नो दैट हाउ वी आर यूजिंग द की इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ओके नाउ वी कैन सी वंस अगेन सी सेंटेंसेस पिताजी बोले कि तुम माताजी से रुपये ले लो ओके फादर सेड दैट यू टेक मनी फ्रॉम मदर नेताजी ने कहा कि हमें ज़रूर आज़ादी मिल जाएगी नेताजी सेड दैट वी वुड सर्टेनली गेट फ्रीडम अध्यापक ने छात्र से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है द टीचर आस्कड द स्टूडेंट्स दैट वॉट वॉज हिज नेम दिवागर ने कहा कि मेरा दोस्त आएगा दिवागर सेट दैट हिज फ्रेंड वुड कम है की नहीं इज इट सो हियर कोई नहीं जानता कि आज पानी बरसेगा की नहीं नो बड़ी नोस वेदर इट विल रेन टूडे आर नॉट तुम चेन्नई जाओगे की तिरछी विल यू गो टू चेन्नई आर तिरछी तुम जाओगे कि नहीं ओके यू गो आर नॉट नौकर ने अपने मालिक से कहा कि मेरा वेदन बढ़ाइए एम्प्लाई आस्क्ड हिज एम्प्लायर टू इंक्रीज हिज सैलरी तिलक कहता है कि आज पानी बरसेगा तिलक सेज़ That it would rain today. Okay, we can have a clear ab idea about seeing these sentences, how we are using that key. Okay, can you understand? Hope you understand.